हर कोई स्मार्टफोन ब्रांड अपने बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑफिशियल रोल आउट से पहले बीटा एक्सेस को रोल आउट करता है ताकि यूजर्स उस बीटा एक्सेस को डाउनलोड करे, उसमें कोई बग्स या फिर प्रॉब्लम हो तो वो कंपनी को अपना फीडबैक दे सके, और अगर कोई फीचर रह गया और यूजर उस फीचर को ऐड करवाना चाहता है कंपनी के थ्रू तो वो कंपनी को सजेस्ट कर सकता है उस फीचर को, और कंपनी ऑफिशियल रोल आउट में उस फीचर को ऐड कर देगी या फिर कोई बग्स या प्रॉब्लम है तो उसे फिक्स करके ऑफिशियल अपडेट को रोल आउट कर देगी। अब रियलमी यूआई 2.0 अपडेट बहुत सारे स्मार्टफोन में ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है और काफी सारे स्मार्टफोन में अभी तक मिलना बाकी है। हाल ही में नार्जो 20 प्रो और रियलमी 6 प्रो में हमें बीटा एक्सेस देखने को मिला था। अब जिन लोगों ने बीटा एक्सेस को डाउनलोड कर लिया है, अब बीटा अपडेट में अगर कोई प्रॉब्लम्स या फिर कोई बग्स है तो वो कंपनी को सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर कोई फीचर का सजेशन कंपनी को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन जिनके स्मार्टफोन में अभी तक बीटा एक्सेस नहीं मिला लेकिन फ्यूचर में मिलने वाला है और वो डाउनलोड करने की सोच रहे, और जिनको मिल गया है और उन्होंने डाउनलोड कर लिया है लेकिन कंपनी को किस तरह से बग्स प्रॉब्लम्स या फिर किसी फीचर का सजेशन देना हो तो वो किस तरह से दिया जाता है आप नहीं जानते, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरह से किसी बग्स को किसी प्रॉब्लम को हम कंपनी को बता सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहिए कंपनी को तो किस तरह से दे सकते हैं। तो जब आपके स्मार्टफोन के लिए बीटा एक्सेस अवेलेबल हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से रियलमी के वेबसाइट पे फॉर्म देखने को मिलेगा। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल कंपनी आपसे ये पूछती है कि आप कौन सा स्मार्टफोन करेंटली यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि एक वक्त में बहुत सारे स्मार्टफोन में बीटा एक्सेस को रोल आउट किया जाता है, जैसे कि हाल ही में नार्जो 20 प्रो और 6 प्रो में रोल आउट किया गया है, तो उनमें से आपका जो स्मार्टफोन है आपको सिलेक्ट करना है। फिर दूसरा कंपनी आपको सवाल ये पूछती है कि आपके स्मार्टफोन में जो सॉफ्टवेयर अपडेट है करंटली कौन से सॉफ्टवेयर अपडेट पे आपने अपडेट कर रखा है, तो वहां पे आपको दो तीन ऑप्शन दिए जाते हैं कि उनमें से कौन से सॉफ्टवेयर अपडेट पे अभी अपडेट करके रखा है। तो उसके बाद कंपनी आपसे अगला सवाल ये पूछती है कि आप हमारे साथ क्या शेयर करने वाले, आप किसी बग को शेयर करने वाले या फिर कोई फीचर है जिसकी आप रिक्वेस्ट करने वाले जो कि आपको इस यूआई अपडेट में चाहिए, और अगर आप किसी बग को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो कंपनी ने बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए, उनमें से जो भी बग आपको दिखाई दे रहा है अपने स्मार्टफोन में आप उस कैटेगरी में से सिलेक्ट करके कंपनी को फीडबैक दे सकते हैं जिससे कंपनी उस बग्स को फिक्स कर दे। अगला जो सवाल कंपनी ने पूछा है वो बग्स से रिगार्डिंग है। अगर आपके स्मार्टफोन में कोई बग है तो कंपनी ने ये पूछा है कि वो बग कितने टाइम में बार बार रिपीट होता है, क्या वो दिन में एक बार होता है या फिर हफ्ते में एक बार होता है, तो उन्होंने ऑप्शन दिए, आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी ने अगला सवाल ये पूछा कि अगर आप किसी इश्यू को सिर्फ कैटेगरी में सिलेक्ट करना नहीं चाहते, आप डिटेल में बताना चाहते कि आखिर इश्यू क्या है, तो उन्होंने आपको एक ऑप्शन दे रखा है जिसमें आप डिटेल में कंपनी को ये बता सकते क्या प्रॉब्लम है आपके स्मार्टफोन में, तो आप वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो जिसकी वजह से कंपनी को उस इश्यू को फिक्स करने के लिए और डिटेल में समझने के लिए आसानी होगी। अब आगे कंपनी ने आपके टेलीफोन नंबर के बारे में पूछा है, अगर आप उनके साथ आपका अपना नंबर शेयर करते हैं तो कंपनी के सिर्फ डेवलपर्स और सीएस टीम ही आपसे कम्युनिकेट करेंगी, उस नंबर को थर्ड पार्टी में शेयर नहीं किया जाएगा। साथ ही में उन्होंने टेलीग्राम आईडी के बारे में भी पूछा है। मान लीजिए कि आपके स्मार्टफोन में कोई इशू है या फिर कैमरा के रिगार्डिंग आपको कोई इशू है और आप उसका स्क्रीनशॉट या फिर फोटो लेकर आप कंपनी को भेजना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन कंपनी ने यहाँ पे दे रखा है। तो अगला जो ऑप्शन है वो इसी के रिगार्डिंग है, अगर कोई इश्यू है तो उसका स्क्रीनशॉट और फोटो लेकर ऐड फाइल पे क्लिक करके आप उस स्क्रीनशॉट को या फिर फोटो को अपलोड करके कंपनी को भेज सकते हैं, और अगर आप लॉग्स को कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको डायल पैड पे *800# को डायल करना है, फिर आपको नॉर्मल इश्यू को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इनेबल कर देना, तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद रिप्रोड्यूस इश्यू एंड स्टॉप लॉगिंग पे क्लिक करना, फिर सारे कॉलम्स को फिल करना है और उसके बाद उस फाइल को सेव करना है, फिर उसके बाद आपको उस इंटरनल स्टोरेज में जाना है और उस लॉग फाइल को आपने जहाँ पे सेव किया था उसको ओपन करके उस लिंक को कंपनी के साथ शेयर करना। तो इस तरह से आप कंपनी को फीडबैक दे सकते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं, आप बग्स के बारे में कंपनी को बोल सकते हैं, कोई फीचर आप कंपनी को सजेस्ट करना चाहते हैं तो सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंपनी की मदद कर सकते हैं यूआई अपडेट को या फिर किसी बड़े अपडेट को और बेहतरीन बनाने के लिए, जिसकी वजह से उसका इंटरफेस बढ़िया हो, आपको यूज करने में अच्छा लगे और कंपनी का भी रिप्यूटेशन बना रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में।